सो हे गाइस, वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके शुरू करना वीडियो देखना, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हो तो लाइक कमेंट कर देना, आप जानते हो। और जल्दी से हम लोगों को अपना 7000 सब्सक्राइबर पूरे करना है, राइट। सो आज दो बहुत बड़े मुकाबले और दोनों के प्रीव्यू हम लोग करेंगे। पहला जो मुकाबला है, दैट इज मैनचेस्टर वर्सेस टॉटनहम के खिलाफ जो मुकाबला है प्रीमियर लीग का, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट मुकाबला है, दैट इज सुपर कप का फाइनल, एल क्लासिको कप, राइट। तो दोनों मैच के बारे में बात करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे क्या हो सकता है या फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दोनों मैच से, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले बात करते हैं मैनचेस्टर वर्सेस टॉटनहम के बारे में, एंड दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैच फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एरिक टेन हैग। क्यों? क्योंकि हम आफ्टर द विनिंग ऑफ चेल्सी, कल जो चेल्सी ने फुलहम के खिलाफ उनका जो विनिंग निकाल लिया, उसके बाद हम लोग नाइन्थ पोजीशन में, चेल्सी को लेके इतना सारा ट्रोल किया जा रहा है, मतलब चेल्सी बहुत ही खराब खेल रहा है, चेल्सी पूरा खत्म क्लब है, हम लोग चेल्सी से भी नीचे आ गए, हम लोग अभी नाइन्थ पोजीशन पे है, और अगर ये मैच हम हार जाते राइट, तो नाइन्थ या टेंथ या फिर ट्वेल्थ पोजीशन पे भी हम लोग आ सकते हैं। अगर हमारे नीचे जैसे जितने सारे क्लब है, जैसे वुल्स वगैरह या फिर वेस्ट हैम तो ऊपर है ही, वुल्स बोलो या फिर बोलो फिर फुलहम बोलो, ये सारे जो क्लब्स है, ब्राइटन बोलो, ये सारे जो क्लब्स है, अपना फिक्स्चर अगर आप जीत जाते हैं राइट, तो हम लोग 11-12 पोजीशन पे भी आ सकते हैं, और 11th या 12th पोजीशन आ गए तो आप जान ही पा रहे हो कि मोरालिटी कितना डाउन हो जाएगा क्लब के अंदर। ऑलरेडी इतना डाउन है, ऑलरेडी हमारा सीजन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, हम लोग यूरोप से भी बाहर हो चुके हैं, कैरेबाओ कप से भी बाहर हो चुके हैं, एंड प्रीमियर लीग के तो टॉप फाइव की रेस पर अभी है ही नहीं, और उसके बाद अगर टेबल में 11th 12th पोजीशन पे आ जाए तो कहने की मतलब सीजन एंड मोरालिटी या फिर मोटिवेशन अंदर खत्म हो जाएगा। तो कहने की ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीतने के लिए, एंड ये मैच हो भी सकता है कि एरिक टेन हैग का फाइनल मैच भी हो सकता है। वो बोला जाता है ना कि कॉफिन का लास्ट नेल ये मैच हो सकता है, क्योंकि देखो पिछले 4-5 मैच या फिर 1-2 महीने से एरिक टेन हैग बहुत सारा कुछ बोले हैं राइट, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एरा खत्म कर देंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड में कहने की प्लेयर्स की कमी है, प्लेयर्स आ जाए तो गेम चेंज कर देंगे, तो प्लेयर्स धीरे धीरे आ रहे हैं, और कहने की एक स्पर्स, एक ऐसे स्पर्स के खिलाफ हम लोगों को खेलना है जिस स्पर्स में बहुत सारा प्लेयर्स नहीं है, हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये मैच में अगर होम मैच में अगर ना जीत पाए एरिक टेन हैग या फिर पॉजिटिव कोई रिजल्ट ना निकाल पाए, तो हो सकता है कल सुबह सुबह आप सैक टेन हैग का एक चीज आप देख सकते हो कि हेयर यू गो हो गया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने टेन हैग को सैक कर दिया राइट। अब देखते हैं मैच से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो मैच तो ओल्ड ट्रैफर्ड में, तो होम एडवांटेज हमारे ऊपर होगा, एंड अगर प्लेइंग 11 की बात करें, उनाना अभी तक गया नहीं एपकॉन में, बंदे को लात मार के निकालना चाहिए, भाई तू एपकॉन जा एंड अपने देश को डुबा के आ, यहाँ पे मत डुबा, लेकिन उनाना ने बोल रहे नहीं नहीं एक और मैच हम लोग तो डुबा के जाएंगे, एक और हार्ट ब्रेक आप लोगों को देख के जाएंगे, तो वो एपकॉन में भी गया नहीं बंदा, तो आज का मैच खेल के कल जाएगा राइट, यहाँ पे डुबा के वहाँ पे डुबाने जाएगा, चलो फाइन। तो कहीं ना कहीं नंबर वन हम लोगों को आज दिखेगा उनाना, एंड उसके बाद अगर सेंटर बैक की पेयर बोले, लिसांड्रो मार्टिनेस बोला गया फिट हो गया या फिर स्क्वाड में देखा जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में आप देख पाओगे उसको, तो गारंटीड है कि जॉन इवंस और वरान का आपको पार्टनरशिप देखने को मिले, लुक शॉ भी अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो कहने कि आपको वैन बिसाका और डियागो डेलो को राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने को मिले राइट। एंड मिडफील्ड में आई थिंक कोबी मैन और एरिक्सन का एक डबल पिवट देखने को मिलेगा। अब स्कॉट मैक्टोमिनी को खिला है, तो देखो वैसे सिंपल फंडा है, आज स्कॉट मैक्टोमिनी अगर खेलता है और एंटनी अगर खेलता है, उसके बाद अगर टेन हैग या यूनाइटेड आज मैच हारता है और कल सुबह टेन हैग सैक होता है, तो मुझसे ज़्यादा खुशी कोई और नहीं होगा, क्योंकि स्कॉट मैक्टोमिनी एंटनी फिर से आज प्लेइंग 11 में दिखा, तो भाई उसको सैक होना चाहिए, ही डिजर्व एवरी पेनी, क्योंकि ये अगर स्कॉट मैक्टोमिनी एंटनी को रेगुलर अगर खिला रहे हो आप, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये दोनों मिलके मैच जिताएंगे, तो आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई और नहीं है, और आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ अगर कोई और नहीं है, तो सैक होने का कारण आप ही हो, बट ऑब्वियस राइट। तो डबल पिवट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्रिश्चियन एरिक्सन एंड कोबी मैनो का डबल पिवट हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि कोबी मैनो वो होल्डिंग मिडफील्डर का काम प्रोवाइड करेगा, एंड एरिक्सन कहने की क्रिएटिविटी थोड़ा बहुत दिखाएगा। और नंबर 10 हमारे पास तो एक ही बंदा है, ब्रूनो फर्नांडिस, खराब खेले अच्छा खेले, हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, एंड अप फ्रंट में आपको दिखने को मिलेगा या फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ देखने को मिलेगा अलेहांद्रो गर्नाचो राइटिंग साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका रैशफोर्ड, और ऊपर हमारा रासमस हॉयलैंड 85 मिलियन का द सुपर डुपर स्ट्राइकर रासमस हॉयलैंड, और यहाँ पे अगर एंटनी देखने को मिले ना, मतलब मैं पहले बोल ही चुका हूँ राइट, तो ये प्लेइंग 11 देखने को मिलेगा। अभी मैं क्यों बोला कि स्पर्स को हम लोगों को हराना चाहिए भी, बट ऑब्वियस, क्योंकि स्पर्स के पास बहुत सारे प्लेयर्स नहीं है, हमारे पास भी कैशमेरो नहीं है, लिसांड्रो मार्टिनेज नहीं है, लुक शॉ नहीं है, ठीक है फाइन, हमारे प्लस प्लेयर्स नहीं है, लेकिन उनके पास भी बहुत सारे प्लेयर्स नहीं है, उनके पास जेम्स मेडिसन अभी तक फिट नहीं हुआ, सॉन उनका गया है एशियन कप में,
उनका एक पॉजिटिव पॉइंट कि मिकी वेंडेमन उनका कहने की कम बैक करेगा, लेकिन उनके बाद बेन डेविस नहीं है, क्रिश्चियन रोमेरो नहीं है, सार नहीं है, बिसुमा नहीं है, तो बहुत सारे प्लेयर्स उनके भी इंजर्ड है एंड उनके भी कहने की एफकॉन बोलो या फिर एशियन गेम्स बोलो यहाँ पे खेलने के लिए गए, तो इट्स अ परफेक्ट टाइम टू फेस स्पर्स राइट। उनके सारे जितने सारे क्रिएटिव प्लेयर है जिनके लिए कहने की गोल्ड कॉन्ट्रीब्यूट होता है, सॉन बताओ या फिर मेडिसन बताओ या फिर मिडफील्ड में जो होल्डिंग मिडफील्ड का काम करता है या फिर मिडफील्ड में जो बुली करने का काम करता है सार या बिसुमा, वो दोनों नहीं है राइट। सेंटर बैक प्लेयर में गारंटी आपको एमिसन रॉयल खेलने को मिलेगा, अब एमिसन रॉयल आप जानते हो एज अ सेंटर बैक कितना बढ़िया है राइट, तो उसको तो गोल देना चाहिए। तो इस तरीके का एक स्पर्स हम लोगों को देखने को मिलेगा एंड कहने की बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। आई प्रेडिक्ट एज अ फुटबॉल, मतलब मेरे पास जितना फुटबॉल नॉलेज है उस तरीके से मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ ये मैच हम लोग 3-1 से जीतेंगे, लेकिन मैनचेस्टर के ऊपर कोई भरोसा मेरा नहीं है, वो हम 20 गोल से भी हार सकते वो अलग बात है, लेकिन मेरा जो फुटबॉल नॉलेज मेरा प्रेडिक्शन है 3-1 टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब देखना पड़ेगा, अगर मैच में कुछ गड़बड़ होता है तो कल सुबह सुबह आपको गर्मा गर्म न्यूज सुनने को मिल जाएगा कि टकले को लात मार के निकाल दिया ओल्ड ट्रैफर्ड से, ठीक है ना, और ये डिजर्व भी करता है बंदा, ठीक है। कहने के इस टूर्नामेंट को अगर आप हरा नहीं पाओगे तो किसको हराओगे, अब ISL में ईस्ट बंगाल या मोहन बगान को हराओगे क्या? तो ये है पूरा का पूरा न्यूज एंड कहने की देखो टॉटनम का मिडफील्ड का भी कोई कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि उनके जो मेन 3 मिडफील्डर है जिनका उनका जो मेन प्लेइंग 11 दैट इज बिसुमा सार एंड मेडिसन वो तीनों ही नहीं है, एक दो नहीं तीनों ही नहीं है, तो कहने की मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा आज मिडफील्ड का बैटल हम लोग जीते, क्योंकि देखो मिडफील्ड का बैटल आप नहीं जीतोगे तो टॉटनम का हरा नहीं पाओगे, तो मिडफील्ड का बैटल मिनिमम हम लोग जीते। और कहने की मैं एक्सपेक्ट करूंगा हॉयलैंड या रैशफोर्ड या गर्नाचो में 2 स्कोर शीट पे आए एंड 3-1 का मेरा प्रेडिक्शन मैं पहले बोल चुका हूं राइट। ये है हमारा पहला मैच। दूसरा मैच बटोविया द धमाका द मेगा कॉन्टेस्ट ऑफ संडे दैट इज एल क्लासिको ऑफ सुपर कप फाइनल, यहाँ पे बार्सिलोना और रियल मैड्रिड को हम लोगों को खेलने को देखने को मिलेगा एंड कहने की इस मैच से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो एल क्लासिको तो एक्सपेक्टेशन तो अलग होता है, फुटबॉल टैक्टिक्स तो अलग होता है, लेकिन एल क्लासिको एक ऐसा मुकाबला जहाँ पे वेव क्रिएट होता है, जहाँ पे मोटिवेशन क्रिएट होता है, जहाँ पे लोग आते हैं अपना छाप छोड़ने के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा कर जाते हैं राइट। तो यहाँ पे कहने के देखो बार्सिलोना के पास बहुत सारे लोग बोले बार्सा तो स्ट्रगल कर रहा है, मतलब बार्सा तो आराम से हार ही जाएगा, देखो बार्सा के पास बहुत सारे क्वालिटी प्लेयर्स हैं और रियल मद्रिद से भी कहीं कहीं जगह पे बहुत सारे क्वालिटी प्लेयर है, बार्सा भी ऑफ फॉर्म है, मोटिवेशन नहीं है उनके पास, वो रिदम नहीं है राइट, लेकिन पिछले मैच में के खिलाफ आफ्टर द हाफ टाइम वो रिदम थोड़ा सा देखने को मिला और वो रिदम अगर कंटिन्यू करता है बार्सा तो बार्सा मैच जीत भी सकता है। और आप जानते हो पिछले बार भी एल क्लासिको हुआ था बार्सा ही 1-0 से कहने के लीड कर रहा था, वहाँ पे कहने के जूड बेलिंगम का एक बैंगर आया था एंड इंजरी टाइम में जूड बेलिंगम ने एक गोल देके थोड़ा लग भी साथ दिया था क्योंकि लुका मॉड्रिच वो बॉल कंट्रोल नहीं कर पाया था, रिबाउंड होके चला आया था जूड बेलिंगम के पास, जूड बेलिंगम गोल दे दिया था, तो कहने की वो लकी विक्ट्री थोड़ा बहुत था राइट। हम लोग क्रुशियल टाइम में कहने की क्लच रोल प्ले किए थे, लेकिन हर वक्त तो नहीं होगा ये राइट। एंड उनके पास अगर मिडफील्ड की आप मिडफील्ड ट्राई बोलो, गुंडोगान बोलो, फ्रेंकी डी यंग बोलो, ये यापेड्री बोलो, तीनों ही काफ़ी कंट्रोल एंड क्रिएटिव मिडफील्डर है। कल उसके बाद पिछले मैच में लियोंडोस्के का गोल भी आया था, कहने कि उनका भी मोटिवेशन थोड़ा अप होगा, लियोंडोस्के अगर फॉर्म में हो या 90 मिनट्स उसके रिदम में खेले तो लियोंडोस्के क्या कर सकता है ये मैं भी जानता हूँ यार, आप भी जानते हो, सारे लोग जानते हैं राइट। रफीना कहने कि इंजर्ड होकर बाहर निकला था, पता नहीं रफीना के इंजरी का क्या रिकॉर्ड है। जॉ फिलिक्स भी अच्छा फॉर्म में, फेरान टोरेस भी ठीक ठाक ही लगा था, यामाल भी आया था सुपर सब बेंच से आते हुए दिखेगा, वो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है। डिफेंस लाइन में थोड़ा ऊपर नीचे लगा था, लेकिन देखो क्वालिटी तो है, बट ऑब्वियस क्वालिटी है, कहने की इट्स अ 90 मिनट्स गेम, कहने की दो लेग तो नहीं होगा, 90 मिनट में अगर ऐसा कुछ पैचेस निकल जाए, 20-25 मिनट का ऐसा पैचेस निकल जाए तो कहने की मैच बार्सा निकाल भी सकता है। और बार्सा के पास वो एक्सपीरियंस है, बार्सा के पास मैच विनिंग प्लेयर्स भी है, लाइक लियोंडोस्की बोलो या फिर गुंडोगान बोलो। देखो सुपर कप फाइनल या फिर सुपर कप ट्रॉफी है, ये बहुत बड़ा यूरोप में ट्रॉफी नहीं है, इसका घंटा को याद रखता है कि सुपर कप कौन जीता, लेकिन ये मैच एल क्लासिको है और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो टीम मैच जीतेगा उसको एक ट्रॉफी मिलेगा। इस अगर साल का कैंपेन बोले तो दोनों टीम लालिगा में एक्टिव है, दोनों टीम कोपा डेल रे में एक्टिव है, दोनों टीम यूसीएल में भी एक्टिव है, तो कहने कि इतने सारे इतने बड़े जो कैंपेन है, इतने सारे जो 3-4 महीना अभी मैच खेलने को मिलेगा, तो कहने कि मोटिवेशन की दरकार होता है कि भाई एक ट्रॉफी हम लोग जीत चुके हैं। ये ट्रॉफी कहने की बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा, इट्स नॉट लाइक लालिगा, इट्स नॉट लाइक यूसीएल, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा सुपर कप कौन जीत रहा है, लेकिन ये मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा वो यंग प्लेयर्स को जो आने वाले मैचेस में लालिगा में जो बिजनेस एंड स्टार्ट होने वाला है वहां पे खेलेंगे या फिर राउंड ऑफ 16 के पास क्वार्टर फाइनल खेलेंगे, तो इस तरीके का एक मोटिवेशन का रोल प्ले करेगा ये ट्रॉफी। इसके लिए ये ट्रॉफी, इसके लिए ये जीत, इसके लिए आज रात का जो एल क्लासिको ये इंपॉर्टेंट राइट।
अगर प्रिडिक्शन की बात बोले, अगर मैं प्लेइंग इलेवन की बात बोलता तो अगर रियल मदरिद का, देखो रियल मदरिद का तो उतना सारा ऑप्शन नहीं है। आप बोलोगे नंबर वन बोलो केपा है, लेफ्ट बैक राइट बैक में एक ही अब हमारे पास कहने के ऑप्शन है, एक ही कारवाहल बोलो या फिर अब लेफ्ट बैक में मेंडी बोलो। सेंटर बैक प्लेयर भी दोनों ही हमारे पास, रूडीगर नैचो और कोई सेंटर बैक प्लेयर हमारे पास नहीं है। मिडफील्ड में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन, अब देखना पड़ेगा मिडफील्ड में कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे। चुआमिनी एज अ डिस्ट्रप्टर तो रहेगा या फिर होल्डिंग मिडफील्डर बोलो आप, फेडेबल लुका मॉड्रिच एंड टोनी क्रूज बेंच से आ सकता है या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। उसके बाद नंबर 10 हमारे पास जूड है, जूड भैया जी हमारे 3 मैच से गोल नहीं दिए, आई एक्सपेक्ट आज के मैच में गोल दे दे बंदा, राइट एंड बिग मैच प्लेयर प्रूव कर दे, पहला बिग मैच आज जूड बेलिंगहम का, राइट फाइनल कोई ट्रॉफी वाला कोई मैच होगा, अब प्रूव करना पड़ेगा। रियल मदरिद में आप आए हो, रियल मदरिद में आप अगर प्रूव करना चाहते हो कि मैं रियल मदरिद का सुपरस्टार हूं, मैं आने वाले फ्यूचर में रियल मदरिद को लीड करूंगा, तो आपको रियल मदरिद को ट्रॉफी जिताना पड़ेगा। देखते फाइनल में कैसे मैच प्रोवाइड करता है जूड बेलिंगहम, आई होप एक गोल दे क्योंकि 3 मैच से गोल नहीं हुआ। एंड राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा रोड्रिगो एंड विनीसियस जूनियर, आउट एंड आउट हमारे पास नंबर 9 नहीं है, सुपर सब जोशेलू को आप देख सकते हो या फिर ब्रायन डियाज को देख सकते हो, ये यही होगा सिंपल प्लेइंग 11 अगर कोई डायनेमिक कुछ चेंजेस ना करते कार्लो अंशेलोटी चाचा हमारे, राइट। एंड अगर मैं प्रेडिक्शन की बात बोलूं तो वेरी टफ राइट, बट मुझे थोड़ा बहुत एक गंदा फीलिंग आ रहा है कि मैच कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन बट ऑब्वियस मैं चाहता हूँ कि रियल मदरिद मैच जीते एज अ रियल मदरिद फैन, तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 2-1 टू रियल मदरिद, लेकिन मुझे लगता है कि 2-1 बार्सिलोना भी हो सकता है, अगर बार्सिलोना पहले स्कोर वगैरह कर दे तो 2-1 बार्सिलोना हो सकता है, राइट। एंड बट आई एक्सपेक्ट 2-1 टू रियल मदरिद क्योंकि रियल मदरिद के पास थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लुका मॉड्रिच बोलो या फिर टोनी क्रूज बोलो या फिर आप नैचो बोलो, इस बड़े मैचेस में थोड़ा बहुत नर्व कंट्रोल करने की ज़रूरत होता है, बड़े मैचेस में थोड़ा एक्सपीरियंस काम में आता है, जो चीज़ एज अ बार्सा के पास नहीं है। फ्रेंकी डियोंग बोलो, पेड्री बोलो, ये सारे लोग उतना मतलब ट्रॉफी नहीं जीते, कहने की इस मोमेंट में डिलीवरी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं 2-1 रियल मदरिद में बोल रहा हूँ इस प्रेडिक्शन, राइट। तो ये दोनों मैच का हम लोग वॉच अलोंग करेंगे, जितने सारे लोग देख रहे हो दोनों मैच का हुआ चलो जब करेंगे आप ज्वाइन कर देना, 10 बजे से एक मैच होगा, उसके बाद 12:30 बजे से एल क्लासिको हमारा होगा। दैट्स माय प्रेडिक्शन एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी हमारा 7000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए एंड टेक केयर। आई होप आपके साथ वॉच चलंग में हमारा मुलाकात होगा एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, चलो टाटा बाय बाय, सी यू।